मार लाई आपन में नाता 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 कोई कुछ नहीं हार ना रही वकील साहब और पैसा मांगा तरंका ना तो का बात बाबूजी अरे वकील साहब के कोनो अता पता नहीं थे लेकिन ये कैसे हो सकेला बाबूजी अरे रउआ लोगन कर घर जाके पता करी वहां से पता चल जाए कहां गई हुई है अरे उनकर हम सब पता लगा चुकनी लगवा चुकनी लेकिन उनकर कहीं आते पता नहीं थे अरे यहां तक कि उनकर मोबाइल भी बंद ना होता लेकिन बाबूजी अगर वकील साहब ना आई है तो हमने के तो बहुत परेशानी हो जाए अब नया वकील ढूंढने के पड़ी और उनका पैसा के खर्चा अलग खर्च वह ना बढ़ी और भी परेशानी बढ़ जाए नया वकील आई जब तक केस समझी तब तक महंतवा का क्वीन केस घुमा के अपने तरफ गई ये नया वकील कहां से ढूंढन जाए बाबूजी हो सकेला कि वकील साहब कोनो जरूरी काम से बाहर गईल हो कब इहे में बतावे के मौका ना मिलल हो अरे सन कौन मौका कि एक बार वो हमने के बता के ना जा सकत रहन हो सकता कि हमनिए के केस के खातिर वो बाहर गईल हो कब तारीख के पहले वो आ जाए अरे ऐसे थोड़े ना होखेला बेटा कोर्ट कचहरी में तो वकील के अपना केस आ तारीख पे तो हाजिर रहे के चाहिए नो जाना तानी वकीलवा के का चाहता वकीलवा के चाहिए पैसा यही खातिर इतना नाटक नौटंकी और ड्रामा कर रहा बा अरे ये तो हमहू जाना तनी पैसे हर समस्या के समाधान हो लेकिन कहां से ले आई इतना पैसा बोली ना अब तो अमर के ब्याह भी सामने बा बाबूजी देखिए रवा चिंता मत करी अब बस अगले तारीख तक के दूं बात है ओकरा बाद हमने के फैसला मिल जाए अरे ना बहू सब इतना आसान नहीं है बेटा देखिए बाबूजी रउआ हिम्मत मत हारी हम बानी नू सब ठीक हो जाए बस रउआ चिंता मत करी हाँ भाई जी दुल्हन बेटा सही है कहत बानी ऐसा मुसीबत के समय में हिम्मत ना हारे के चाहे ये लड़ाई हमने लड़ा हाँ बाबूजी अब तो अमर बबुआ हमनी के संगे बनी कौनो न कौनो रास्ता जरूर निकल आई बाबूजी दीदी रवा चिंटू के नाना घरे जाए के बाद भाई जी से कहनी है का अभी तक हम बात उनका से ना कहले बनी लेकिन हमरो यह लागा था कि चिंटुआ यहाँ रह के साफ ही बिगड़ जाए वही से हमने के ओकरा के नानी के घर भेज देवे के चाहिए दीदी रवा तो जानते बानी ना हमारी स्थिति जब से घर में आई नहीं हम शांति के मुंह तक नहीं खे देखी जब देखा तब कला 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 हाँ दुल्हन हम तुहार हालत जानत बनी ई घर में का हो रहल बा सब बुझे तनी सब पता बा हमरा झगड़ा मारपीट पुलिस
बस यही देखनी है, जौन जौन चीज के कबू नामो ना सुनने रहनी ना, वो सब देख लेनी है घर में। बड़ा गांव पंचायत सुधारे के बात करे लंजा, अपन घर तो ठीक से संभलते नहीं थे, गांव पंचायत का सुधरियन। क्या बोल ली सर है? है? फिर से बोलता काहे? ठीक है तो कहा रलवाड़ी। ए भौजी तू चुप रही काहे? साच बात ठीक नहीं खे लागत का। ठीक है कह रहा भैया ना कि अपन घर संभालत नहीं के पंचायत चलल बनी सुधारे के। पंचायत के बारे में जाना तू है तो तार काम बने काम करी। हाँ तोहनी लोग के तो सब पता बा कि गांव घर में का हो रहा बा, वही से तो ई घर के ई हाल हो रहा बा। देखी ढेर फिक्र करे का जरूरत नहीं खे, घर का जिम्मेदारी ये मर्द लोग पर छोड़ दी है, और का जोन काम भाई काम करी। हट देखनी ऐसे मर्द बहुत है। दुल्हन खाली है ना चिल्लावे जाने ला, करे तो कुछ ना आवेला, बस यही तरफ बोलेला। हमहू तो वह चाहता नहीं कि अमर बबुआ के बियाह खूब धूमधाम से होके, अब बाबूजी के यही इच्छा तो का कर जा। बाबूजी के तो कुछ समझ में नहीं खेवत है बाबूजी, वो तो भुलाइए गलबड़न के लड़का के बियाह है। इस समय घर के भीतर के दुश्मन से ना बल्कि बाहर के दुश्मन से निपटल जरूरी बा, बाहर के दुश्मन से निपटल जरूरी बा। अरे दुल्हन जी बुआ जी, ब्याह लगी चाह गई आ घर में भी कुछ तैयारी नहीं के भाई। काम तो चलते बा, सब तैयारी होता बुआ जी। अरे कहाँ तैयारी भइल बा, घर सुना सुना लागता, न पोताई भइल न कुछ खरीदारी भइल। अरे काले ओम जी आइल बाड़न, उनका हाथ से हम लगन पत्रिका भिजवा देब, ओकरा बाद हमनी के अरे तहारा ब्याह में मैं हमनी के तैयारी कई लेले रहनी जा, बाजा घोड़ा गाड़ी मैं बुक हो गई रहला अबले। जानतनी बुआ जी बाबूजी कहले ने कि ए बियाह में ज्यादा धूम धड़ाका नहीं खे करे के, ज्यादा तमाशा नहीं खे हो के चाहिए। काहे हां लड़का के बियाह हो? अरे अमरो के तो कुछ अरमान होई, असे बियाह कह दी है। हम हूं तो वह चाहतनी कि अमर बबुआ के बियाह खूब धूमधाम से होखे, अब बाबूजी के यही इच्छा तो का कर जा। बाबूजी के तो कुछ समझ में नहीं खेवत है बाबूजी, वो तो भुलाइए गलबड़न के लड़का के बियाह हो, ऐसे सुखा सुखी बियाह करी है अपन लड़का के। गाँव वाला का सोची है सर कि चौधरी खानदान के लड़का के बियाह हो, मैं इज्जत माटी में मिले हैं लोग। अब हम का कहें बुआ जी, अब हैं के कहें, अब भैया के तो बुझाते लिखे का करे चाहिए का ना करे चाहिए। अब गहना वा कब पहनब जो सहेज के देले बनी हाँ? सब हालचाल ठीक बनो जाके? सब कोई ठीक बा, और सरला दीदी भी ठीक बिया। अरे यार हम सबके बारे में पूछा था नहीं, अब तू हूँ ना। हम जाना था नहीं पाऊं रवा के कर खातिर पूछत रही। आई फूफा जी। अरे भैया कहाँ सोई ठिठोली होता है? कुछ ना बस इनसे हालचाल पूछत रही है। और ओम बउआ का हाल चाल बा? सब ठीक ठाक बान हूँ घरे। जी ठीक बा, सबको ही ठीक बा। अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से होत बा ना? कॉलेज में कोनो लड़की वड़की के चक्कर तो नहीं बा? हाँ जी नहीं। पढ़ाई ठीक चलता। और राजिंदर के ब्याह के तैयारी तो खूब बढ़िया चलत होगी? हाँ जी ब्याह के तैयारी शुरू हो गई बा। अरे मर्दे तोरे मम्मी का हाल चाल बा? मम्मी अरे भाई तोरे ब्याह में तो राजिंदर जी हमारे खातिरदारी करी है, लेकिन अमर बउआ के ब्याह में अमर बउआ हमरा के का पहरी है बताओ भाई? चमड़ा के चप्पल। अब देखिए फूफा जी कहिया से आप कहा था नहीं कि आपको चप्पल चाहिए, तो सोच बनी कि ब्याह में आपके चप्पल पहनाइए दो। अरे
चमड़ा के चप्पल और जूता में ना बिकाए वाला हूँ फूफा जी। कुछ और ही सोचा, कुछ और दिमाग लगावा। फूफा जी एक काम करें, देखिए बियावा में हमारा जूता चुरावल जाए ना, तो जूता आप चुरा ले, धोती में रख ले, आपके ऊपर पैसा मिल जाए। और मार दे। अरे बड़ बुजुर्गन से ऐसा बात किया जा रहा। अरे बउआ समझावा है करा के दिमाग खराब हो गया। अरे फूफा जी आप नाराज हो गए, सुनी जूता ले ले। अच्छा बता तो नहीं कहा चाहिए आपके, कहा घुसिया तो नहीं फूफा जी। अरे बतिया सुनी ना यार। यो ना। हेलो का समझावा उकरा के, ठीक से समझावा। महान जी आपसे बात कराई होकर ना, हमरा से बात करावे के कौनो जरूरत नहीं की। उकरा के बोला धर्म के सेवा के फल एक दिन खुद बे खुद मिल जाई। जी महान जी हम बता दे। सुना हम जैसन कहतानी वैसन करा, वरना दंड के बारे में हम बता देनी। रवा केकरा दंड दे रहल बानी? जे केहू धर्म के रास्ते में रोड़ा अटकाई धर्म पत्नी जी ओकरा के ओकरा के। सुनी राउर के छोटा भाई बबुआ जी धर्म के कितना पालन कैले बा, जे रउआ गांव भर के लोगन के धर्म सिखावत नहीं। अब का कैलस बबुआ? का ना कैले बा, बीबी बच्चा खातिर ओकर कौनो धर्म नहीं के। जब देखा बच्चा के हाथ उठावेला, जब देखा मेहरारू के गाली बकेला, का यह धर्म हा? हमरा सब पता बा धर्म पत्नी जी, सब पता बा, सब जानीला हम, सब जानीला। जानीला तो रउआ कुछ बोलत का ही नहीं थी। अब ना रोकब रउआ तो कब रोकब? जानतानी जानतानी, लेकिन हम घर में कवनो कले क्लेश नहीं की चाहत, कवनो कले क्लेश नहीं की चाहत। एक बार घर में कले क्लेश लग जाई तो गांव के संभाली, के संभाली गांव के। इस समय घर के भीतर के दुश्मन से ना बल्कि बाहर के दुश्मन से निपटल जरूरी बा, बाहर के दुश्मन से निपटल जरूरी बा। बाहर के दुश्मन से निपटला बहुत हो गई, अब ई घर में भी कला होवे में देरी नहीं की। जे हाल हम बबुआ जी के देख रहल बनी, हमरा तो लागा था कहीं बबुआ जी रउआ के हाथे से ना निकल जाए। के बाद सबे केहू के जाए के भैया से जिंदगी ऐसा ही आगे बढ़ेला, आदमी का दुखे मनावत रही। नहीं दुख का मनावत रह जाई है, ई लोग कैले वाला जो नाटक ना हम होखे ना देवी हो जान जइया। ई अमर के बियाह अभी बताइला हम। दीदी हम जाता नहीं। ए ओम दो दिन खातिर और रुक जाता, इतना दिन बाद मिलल बाड़ा, अब ठीक से बातों ना भइल हो। ना दीदी घर तो जाए के पड़ी, तोरा के देखे लायल रहा और देख के मन खुश हो गई। हमरो तोरा के देख के बहुत अच्छा लागल। कितने दिन बाद तोरा चेहरा पर खुशी तक आनी दीदी, नहीं तो तू हंसली भुला गेलू। लेकिन ई बतावा तू इतना काम खाए करत रहलू? हाँ अपन सेहत के ख्याल रख, घर में और भी लोग बा काम करे खातिर। अरे जान के करे नहीं रे, काम कैला से हमार मन लागल रहेला, एनो न भटके ला ना, ना तो पता ना हम का सोचिला। अच्छा खैर तू ये सब छोड़, हमार बात सुना।
का दीदी? घर जाके माई या चाची से कह दी है कि ब्याह की तैयारी लोग आराम से करें, कौनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक बा? अरे की का दीदी? खुश रहा। अरे ओम बबुआ, तार सब तैयारी हो गई? जी। अरे बेटा दो चार दिन और ठहर जेता, तार बहिन के मन लग जाई। नहीं, वो घर में सब इंतजार करत हुई है। खैर ठीक बा। अच्छा देखो बेटा, ये लगन पत्री है, पंडित जी दे गिल रहा, तो ये अपना साथे ले ले जी। हाँ जी। अच्छा राजेंद्र भाई से ये कह दी है कि हम ज्यादा बारात लेके ना आए। अब बारात जब कम रही तो इंतजाम वही हिसाब से करवाई है, ज्यादा ताम झाम गईला के जरूरत नहीं थे। हम चाहतनी कि ये ब्याह एकदम सीधा साधा ढंग से होखे। जी। और राजेंद्र भाई से एक बात और कह दी है कि वो अपन दिन धरवा दिए हैं, और दिन धरवैला के बाद हमनियों के सूचित कर दिए हैं। हम बता दें। तो ठीक बा बेटा, चलो हम तारा के बस स्टैंड तले छोड़ देते हैं, मिल ला अपना दीदी से। आवा चला ताने दीदी, ध्यान रखिए। बबुआ, ऐसा घोड़ा बेच के सुतल बड़ा, आई हम का सुना तनी वो? का भैया? तार बिया भिखमंगा लेखा जाता। मंगा लेखा? क्यों कुछ कह लगा? तारा कोनो शौक नहीं क्या अपने बिया के? हाँ कैसे तार बिया हुई? तो का कर बबुआ, जब बाबू जी ऐसे कर दलन था कुल कैल धैल उन्हीं के तो बाटे। जा बुर्बक के बुर्बके रह गई ला। भैया का करी है रे, हजे आइल बड़ी जेना देखली लाई ऊ देखली मलाई, मालकिन बन के बैठल बड़ी उहे पैसा नहीं निकाल। हाँ तो हम इसे होखौ ना देवी हो जान जाइ, ये अमर का बियाह होता है, कोनो भिखारी का बियाह नहीं खेव। बार बार बियाह ना होखेला। वाह रे बबुआ, ते तो हमार मुँह के पतवे छीन ले ले रे, बियाह एके बारी होखेला। चल ले, तार माई रहती तो कासे बियाह होके देती, कतना अरमान रहला उनकर तार बियाह के। माई के भैया के मुआला के दुख के करा नहीं खे। हाँ बियाहिल बा एजा तो सब क्यों के मन रही के बा। हाँ तो ठीक है, तो कहा तारू बुआ। देख एजा अहिला के बाद सबे क्यों के जाए के बा एजा से, जिंदगी ऐसा ही आगे बढ़ेला, आदमी का दुखे मनावत रही। नहीं दुख का मनावत रह जाई। हैं ये लोग कैले वालन जो नाटक ना हमी होखे ना देवी हो जान जाइया, ये अमर के बियाह अभी बताइला हम। वाह रे बाबूजी, ऊपर ये बैठल बैठल पता ना तू हमरा से काका कराओ तर ये हमरो ने के बुझा। खूब निक लगा था ना, भीख मांगो ना मतिन बियाह कराओ तनी जा। सभी के सुन ले रहा कहत रही कि अमर राजू हमार बबुआ हवन, हमार बच्चा हवन, जब करे के पड़ल तो गिर गिर लेकर रंग बदल देली। करे मन देखी, हम पहले ही बहुत दुखी बानी, रउआ हमरा के और दुखी मत करी। अरे सरला का हो गेल, कुछ हमरा के बताइबू। रउआ हमरा के माफ करी, हम ई बियाह ना कर सकेली।